देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ये पहले से ही तैयारियां कर चुकी है कि अगर हमें विधानसभा चुनाव जीतना है तो हमें ऐसी रणनीति बनानी है जो लोकसभा चुनाव में आसानी से उस पर हम काम कर सकें। तो आदिवासी कार्ड खेलना, ओबीसी कार्ड खेलना भारतीय जनता पार्टी अभी से चाहती है। लेकिन जब बात आती है कि जब आपको वोट हासिल करना है, जब आपको पाना है कि जनता आपको सबसे ज़्यादा पसंद करे, आदिवासी लोग भी पसंद करें आपको, पिछड़े वर्ग के लोग भी पसंद करें, दलित भी पसंद करें, तो आप वो कार्ड खेलते हैं, उनके घर पर भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, पैर भी छूते हैं, पूजा भी करते हैं, तमाम चीज़ें करते हुए नजर आते हैं। इसका उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान कैसे करते हुए नजर आए थे। तो ये सारी चीज़ें खेली जाती हैं कार्ड के जरिए, और यहाँ पर वही कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलती है ताकि लोकसभा चुनाव जीते। जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके बाद हमने भारी विरोध देखा, लेकिन उसके बाद देखा गया कि मोदी सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर साइडलाइन करती हुई नजर आई। ये आरोप भी लगातार यहाँ पर जो है विपक्ष की तरफ से लगते रहे। हमने देखा कि जब यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस समय यहाँ पर उनको इनवाइट तक नहीं किया गया, उनको पूछा नहीं गया, इस बात का विरोध लगातार चलता रहा। लेकिन अब फिर दोबारा एक दलित कार्ड या फिर आदिवासी कार्ड आप कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी खेलती हुई नजर में। यहाँ पर बघेल को हटाना काफ़ी मुश्किल था, यहाँ पर सबको पता था कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी, लेकिन वहाँ पर बीजेपी ने आदिवासी वोट सबसे ज़्यादा लिए, जहाँ पर लग रहा था कि कांग्रेस इन वोटों को लेगी। उसके बाद हमने देखा कि अब लगातार जो संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें ये नाम लगातार सामने आ रहा है कि आदिवासी हैं, इसलिए इनका नाम जो है आगे दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से उनका नाम यहाँ पर चयन होगा, या फिर रमन सिंह की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो भी जो है इस रेस में है, तो भाजपा के लिए चुनना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो आदिवासी कार्ड खेला है, कहीं ना कहीं आगे 2024 और आगे वाले चुनावों में लगातार अब 10 वर्षों से जो है केंद्र में है, उसके बावजूद भी अगर आपकी ये जीत हो रही है राज्यों के चुनाव में, तो ये दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में भी आपके लिए रिजल्ट जो है आपके पक्ष में ही रहेगा। तो रेणुका सिंह के जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, रेणुका सिंह को लेकर के मुख्यमंत्री पद पर अगर भाजपा फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है कि उनका ये एक तरीके से निशाना 24 पर भी रहेगा। देखिए, रेणुका सिंह को जो है ज़रूर जो है इसमें आगे भाजपा करना चाहेगी, क्योंकि महिला है और आदिवासी हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा था द्रौपदी मुर्मू को लेकर के पोस्टरबाजी लगातार जो है भाजपा करती नजर आई थी, उस समय पश्चिम बंगाल में पोस्टर लगाए गए थे और कई राज्यों में विपक्ष को पूरी तरीके से घिरने की कोशिश की गई थी। तो एक बार फिर से 24 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक पर पूरी तरीके से कब्जे को लेकर के भाजपा ये कदम उठा सकती है। हालांकि अभी भी नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और नतीजे आने के बाद अब एक बात तो साफ हो चुकी है कि कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव अब और भी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। वहीं दूसरी ओर 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त एक बड़ी मुश्किल का सामना करती हुई नजर आ रही है कि राज्यों में जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री पद किसे सौंपा जाए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़। लगातार विधायक दल की बैठक हो रही है और चिंतन मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपना एक पुराना दाव खेलती हुई नजर आ रही है, जो दाव खेला गया था बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो आदिवासी कार्ड खेला था वो अब छत्तीसगढ़ में भी शायद खेल सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद को लेकर 3 बड़े दावेदार जो यहां पर देखे जा रही है, और इनमें सबसे पहला नाम जिससे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, ये नाम है रेणुका सिंह का। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार में छत्तीसगढ़ से इकलौती केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जिस तरह से देश की महामहिम के पद पर द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाया गया, क्या छत्तीसगढ़ में रेणुका सिंह को भी ये पद इसीलिए सौंपा जा रहा है ताकि 2024 में ये आदिवासी कार्ड एक बार फिर से बीजेपी खेल सके। यहां पर मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमीन है,
और उन्हीं से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। नाजमीन, आदिवासी कार्ड जिसका इस्तेमाल शायद कांग्रेस तो उतनी बखूबी नहीं कर पाई, हालांकि राहुल गांधी ने कोशिश बहुत की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड को एक बार फिर से बीजेपी खेल सकती है। पहले द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर वोट हासिल किया और अब कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी रेणुका सिंह को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि वो आदिवासी समुदाय से आती है और महिला भी है। तो क्या लग रहा है, जिन तीन नामों का जिक्र यहां पर हो रहा है, क्या रेणुका सिंह सबसे ज्यादा सटीक यहां पर बैठ रही है मुख्यमंत्री पद के लिए? देखिए, लोकसभा चुनाव आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ये पहले से ही तैयारियां कर चुकी है कि अगर हमें विधानसभा चुनाव जीतना है तो हमें ऐसी रणनीति बनानी है जो लोकसभा चुनाव में आसानी से उस पर हम काम कर सकें। तो आदिवासी कार्ड खेलना, ओबीसी कार्ड खेलना भारतीय जनता पार्टी अभी से शुरू हो चुकी है। राजस्थान में बाबा बालकनाथ का जिक्र जो किया जा रहा था, ये कहा जा रहा कि वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। यहाँ पर रेणुका का जिक्र आपने किया जो छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में सबसे आगे नजर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेणुका सिंह यहाँ पर नजर आएंगी, तो कहीं ना कहीं वो ये कार्ड खेल सकते हैं। और जैसे राष्ट्रपति का आपने जिक्र किया कि यहाँ पर जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस दौरान भी यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू का जिक्र किया गया, तो वो भी एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। लेकिन जब बात आती है कि जब आपको वोट हासिल करना है, जब आपको पाना है कि जनता आपको सबसे ज्यादा पसंद करे, आदिवासी लोग भी पसंद करें आपको, पिछड़े वर्ग के लोग भी पसंद करें, दलित भी पसंद करें, तो आप वो कार्ड खेलते हैं, उनके घर पर भी जाते हैं, खाना भी खाते हैं, पैर भी छूते हैं, पूजा भी करते हैं, तमाम चीजें करते हुए नजर आते हैं। इसका उदाहरण आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, शिवराज सिंह चौहान कैसे करते हुए नजर आए थे। तो ये सारी चीजें खेली जाती हैं कार्ड के जरिए और यहाँ पर वही कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही है ताकि लोकसभा चुनाव जीतना आसान हो सके। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नाजमीन ने कहा कि आदिवासी कार्ड छत्तीसगढ़ में खेला जा रहा है, लेकिन याद दिलाना चाहेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति तो बना दिया गया है। उस वक्त देखा भी गया था कि पीएम मोदी हो या फिर बीजेपी का हर दिग्गज नेता उनके साथ नजर भी आए। दौलत है मेरे साथ, दौलत राष्ट्रपति के पद पर तो बैठा दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शक्तियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। इतने बड़े बड़े मुद्दे हमने देखे जिसमें सीधे सीधे राष्ट्रपति से उम्मीद लगाता हुआ विपक्ष नजर आया, देश की बेटियां नजर आई, पहलवान खिलाड़ी नजर आए, लेकिन उन मुद्दों पर राष्ट्रपति होने के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को बोलने की इजाजत नहीं दी गई। तो क्या ऐसा ही छत्तीसगढ़ में भी देखा जाएगा? बिल्कुल, हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उसके बाद हमने भारी विरोध देखा, लेकिन उसके बाद देखा गया कि मोदी सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर साइडलाइन करती हुई नजर आई। ये आरोप भी लगातार यहाँ पर जो है विपक्ष की तरफ से लगते रहे। हमने देखा कि जब यहाँ पर नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो उस समय यहाँ पर उनको इन्वाइट तक नहीं किया गया, उनको पूछा नहीं गया, इस बात का विरोध लगातार चलता रहा। लेकिन अब फिर दोबारा एक दलित कार्ड या फिर आदिवासी कार्ड आप कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी खेलती हुई नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जहाँ पर बघेल को ना काफी मुश्किल था, यहां पर सबको पता था कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी जीत ही नहीं पाएगी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने आदिवासी वोट सबसे ज्यादा लिए, जहां पर लग रहा था कि कांग्रेस इन वोटों को लेगी। उसके बाद हमने देखा कि अब लगातार जो संशय बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जिसमें ये नाम लगातार सामने आ रहा है कि आदिवासी हैं, इसलिए उनका नाम जो है आगे दिया जा रहा है। तो देखना होगा कि किस तरीके से उनका नाम यहां पर चयन होगा या फिर रमन सिंह की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहां पर वो भी जो है इस रेस में है, तो भाजपा के लिए चुनना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो आदिवासी कार्ड खेला है कहीं ना कहीं आगे 2024 और आगे वाले चुनावों में मदद करेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दौलत ने कहा कि जो आदिवासी कार्ड यहां पर खेलती हुई बीजेपी नजर आ रही है उसका फायदा जाहिर तौर पर होने वाला है भारतीय जनता पार्टी को, ना केवल इन चुनाव के बाद बल्कि 2024 के लिए भी एक सियासी बिसात जो है वो तैयार की जा रही है। यहां पर मेरे साथ में सहयोगी अबरार है, उनसे एक बहुत ही अहम सवाल यहां पर लेना चाहेंगे। अबरार, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिला होने के तौर पर रेणुका सिंह का नाम आगे आ रहा है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि रमन सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं, तमाम आदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि रमन सिंह को ये डर है कि उन्हें ना चुनकर रेणुका सिंह को चुना अगर गया तो शायद उनका जो एक वर्चस्व है वो खतरे में पड़ जाएगा, और अगर रेणुका सिंह को यहाँ पर मुख्यमंत्री पद सौंपा जाता है तो क्या रमन सिंह को नाराज कर बीजेपी अपनी मुश्किल बढ़ाने का काम तो नहीं करेगी?
देखिए भाजपा के लिए इस समय जिस तरीके से लगातार वो फैसले ले रही है, मुझे लगता है कि किसी भी चेहरे को, चाहे वो जो है कोई भी हो, चाहे रेणुका सिंह के अलावा भी कोई चेहरा हो, अगर उसे मुख्यमंत्री बना देते हैं तो कोई भी नेता भाजपा हाईकमान के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इस समय भाजपा की चलती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को बीट किया गया है, आप कहते हैं शर्मनाक हार इसे कहा जाता है, और इस हार को कांग्रेस पार्टी खुद पचा नहीं पा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि कम से कम अगर वो हारते भी तो इतने ज़्यादा सीटों का अंतर नहीं होता। तो आप सोचिए कि कोई भी नेता भाजपा का ऐसे समय पर, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छा समय आप कह सकते एक तरीके से चल रहा है, लगातार अब 10 वर्षों से जो है केंद्र में है, उसके बावजूद भी अगर आपकी ये जीत हो रही है राज्यों के चुनाव में, तो ये दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में भी आपके लिए रिजल्ट जो है आपके पक्ष में ही रहेगा। तो रेणुका सिंह के जहाँ तक मुख्यमंत्री बनने की बात है, रेणुका सिंह को लेकर के मुख्यमंत्री पद पर अगर भाजपा फैसला लेती है तो जाहिर सी बात है कि उनका ये एक तरीके से निशाना 24 पर भी रहेगा, जिन तमाम बातों का जिक्र अभी हुआ भी। तो मुझे लगता है कि रेणुका सिंह को जो है ज़रूर जो है इसमें आगे भाजपा करना चाहेगी, क्योंकि महिला है और आदिवासी हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा था द्रौपदी मुर्मू को लेकर के पोस्टरबाजी लगातार जो है भाजपा करती नजर आई थी, उस समय पश्चिम बंगाल में पोस्टर लगाए गए थे और कई राज्यों में विपक्ष को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की गई थी। तो एक बार फिर से 24 के चुनाव में आदिवासी वोट बैंक पर पूरी तरीके से कब्जे को लेकर के भाजपा ये कदम उठा सकती है। हालांकि अभी भी एक आखिरी जो है फैसला बचा है, भाजपा हाईकमान बैठक करके इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है देखने वाली बात होगी। लेकिन रमन सिंह को साइडलाइन करना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि रमन सिंह ने विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत में एक अहम रोल अदा किया है। तो भाजपा कोई भी फैसला लेगी तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर 24 के चुनाव को मद्देनजर रख करके लेगी कि किस चेहरे के साथ जाने पर उन्हें 24 के चुनाव में जो है सीटों का फायदा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए अब सवाल तो लगातार यही है कि क्या वाकई में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी कार्ड छत्तीसगढ़ में खेलने वाली है, और अगर वाकई में रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ऐसे में रमन सिंह का आखिरकार अगला कदम क्या रहेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।